उन्होंने कहा कि ये झूठी बात है। नहीं नहीं बिल्कुल वो कह रहे हैं झूठी बात है। जब तक आप दिखाइए, ठीक है आप दिखाइए, तब तक मैं जरा वापस जा रही हूँ। एक बार जरा मैं ये पूछ रही हूँ आचार्य जी, इन्होंने कहा कि आजकल जो नफरत फैलाई जा रही है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, अब यूरिन जिहाद, न जाने क्या क्या आ गया, वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये तरीके हैं कि आप मुसलमानों को अलग कर दो और उनको काट के अलग, कोई अलग नहीं करना, हम अलग करना चाह रहे ना, हम अलग कर सकते हैं, जो हो रहा है, जो हो रहा है वो सामने आ रहा है। मुझे बताइए, एक एक करके बोलेंगे, सब कुछ टीवी के सामने है। मुझे बताइए, आज अभी दो दिन दो पेशाब वाली घटना जो दो दिन पहले घटी, सामने एक लीटर पेशाब पकड़ा गया। मैं यूरिन नहीं बोल रहा हूँ, पेशाब बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्योंकि यही शब्द है कि जो मन में घृणा उत्पन्न कर रहा है। यूरिन आते ही तो टेस्ट आया था दिमाग के अंदर। मुझे बताइए वास्तविक तौर पर, उसके बाद अभी उन्होंने कहा कि कहीं पत्थर नहीं चलता, इतना बड़ा एलिगेशन, कहीं अरे बोल लेने दो ना, सुनो, इतने बड़ा एलिगेशन लगा दिया कि यही लोग पत्थर रख के आते हैं मस्जिद के ऊपर, यही लोग पत्थर लग के आते हैं। अरे भाई, हम में से कोई मस्जिद में घुस नहीं सकता, आप यूं कह रहे हो हम रख के आए। एक आपके पास सीसीटीवी है, आपके पास इतनी बड़ी फौज है, उसके बाद भी आपने इस्लाम खतरे में नहीं आया, उसके बाद इस्लाम खतरे में नहीं आया। पूरी कंप्लीट कर लेना प्लीज, मैं बार-बार कह रही हूं। मैं आपको एक समझाऊं, जहांगीरपुरी में क्या हुआ था कि मस्जिद के आगे से वो हनुमान यात्रा निकल रही थी, पत्थर बरसा दिए, ठीक है। यहाँ समस्या क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पाकिस्तान की बात हो गए, हिंदुस्तान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तान बन चुका है। नहीं, मैं बता रहा हूं, बोलने नहीं दे रहा ना, बोलने नहीं दे रहा, बोलने देंगे, बोलने देंगे, ऐसे नहीं कर सकते, बोलिए आप। हिंदुस्तान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पाकिस्तान बन चुका है, और उस पाकिस्तान के अंदर मस्जिद के आगे कोई हिंदू निकल जाए तो काबिले बर्दाश्त हो रहा है, यही समस्या है। मस्जिद के आगे निकलो तो मुंह पे उंगली रख लो, आवाज आनी चाहिए। बताइए, अब ये वाली सोच जो है, एक एक करके बिलाल जी प्लीज, एक एक करके नहीं, नहीं बिलाल जी नहीं 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 नहीं, वहां से आवाज आई, एक मिनट, उन्होंने पाकिस्तान की बात कही, वहां से फाजिल साहब ने कहा आपको दिक्कत क्या है उसमें, दिक्कत क्या है? नहीं, अगर अगर वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं एक मिनट, बाप की जागीर है, ये वाली बात नहीं है, आ रही हूँ, एक एक करके बात करेंगे, ठीक है फाजिल साहब, नहीं एक करके बात करेंगे। अरे रुकिए भाई, इस तरह से बात नहीं होती, मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, आप लोग समझते नहीं है। पहले मैं सवाल का जवाब दूंगी आचार्य जी, मैं जवाब ले रही हूँ, मैं जवाब ले रही हूँ, एक मिनट, आपको कोई नहीं कह रहा जाने के लिए, एक मिनट फाजिल साहब, मैं सीधे डायरेक्ट सवाल, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हो रहे हैं, आपने कहा कि हाँ, तो क्या है, एक मिनट आप मेरी तरफ देखिए, उनकी तरफ नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है, टैक्स मैं देता हूँ, टैक्स देता हूँ इस देश के अंदर, खाने वाले लोग बैठिए आप, बिलाल मैंने आपसे कहा, आप में से जो हल्ला करना चाहता है वो शोर छोड़ कर जाए यहाँ से, आप में से जो हल्ला करना चाहता है वो शोर छोड़ के चला जाए यहाँ से, मैं बिल्कुल सीधे बोल रही हूँ, यू कैन लीव द शो राइट नाउ, मुझे यहाँ पर हल्ला नहीं चाहिए, मैंने पहले ही रूल सेट किए हैं, अगर आप लोगों को नहीं समझ आता तो आप जाइए यहाँ से, ये मंच आपके लिए नहीं है। फिर फाजिल साहब, सीधी सी बात है, अगर वो ये कह रहे हैं, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा दूंगी, उन्होंने मुल्तान साहब ने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के समय, या फिर उन्होंने कहा पहले भी ऐसा हुआ है कि हमने फतवे जारी किए, लेकिन अभी जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये आप भी जानते हैं, रोज ऐसी खबरें आती हैं, आपको भी पता होता है, हमें भी पता होता है कि ऐसे जुलूस निकल रहे हैं, तो कुछ और नहीं, फतवे की बात हो रही है, पाकिस्तान की भी बात हो रही है, आपके ऑफिस के बगल में हम आके ऑफिस खोल लें तो कोई दिक्कत है आपको, हमारे साथ 10 मुसलमान और खोल लें तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान हो गया भाई, तो पूरे देश में हो रहा है, आप कहेंगे पाकिस्तान बन गया, ये नहीं, ये स्टूडियो पाकिस्तान बन गया, बिल्कुल नहीं, कहने का इनका मतलब, बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान जहां बनना है तो वो बन गया, हम भारत में नहीं, तो उसका काउंटर फाजिल साहब उसका काउंटर ये नहीं, उसका काउंटर ये नहीं होगा कि हाँ पाकिस्तान बन गया तो क्या है, उसका काउंटर ये होगा, ये पाकिस्तान नहीं है, हम हिंदुस्तान है,
हम भारतीय भारत मुसलमानों को ये पाकिस्तानी बोलते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी बोलने पर SC ST एक्ट जैसा कानून बनना चाहिए देश के अंदर। अच्छा, हम भारत के हैं, हमसे आप जो भी मुकाबला करना करो, लेकिन आप हमको पाकिस्तानी नहीं बोल सकते। हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तान के सख्त नफरत करते हैं, ये लोग जाके बिरयानी खाते हैं लेकिन हम लोग कभी नहीं जाते। हम 100 बार पाकिस्तान की बुराई करते हैं, हम 1000 बार पाकिस्तान जवाब ले रहे हैं, मैं जवाब ले रहा हूं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूं, मैं एक बार जवाब ले रही हूं, एक मिनट सूर्य मैथिल जी सीधे बताइएगा, और मैं फिर से रिपीट कर रही हूं इस बात को कि आप में से जिसको शोर शराबा और हंगामा करना है वो इस शो को छोड़ दे, क्योंकि यहां पर ये मंच नहीं है। पहली बात सूर्य मैथिल जी बताइए, उन्होंने कहा कि जब भी ये एक तरह का एक प्रोसिक्यूशन फीलिंग है कि वो उनको लगता है कि जहां पे कुछ मुसलमान खड़े हो जाते हैं तो हिंदुओं को अब लगता है कि ये तो पाकिस्तान बना दिया इन्होंने, ये वाली सोच। आईना जब भी उठाया करें पहले खुद देखा करें और फिर दिखाया करें। ठीक है, तमिलनाडु का पेरम्बदूर जिला कोलतार गांव, आप गूगल करें, पूरा देश को कहूंगा गूगल करें, वहां पर इनकी आबादी हो गई 60-70%, तो वहां पर इन्होंने क्या कहा, मंदिरों की अब घंटियां, फिर बीच में बोल रहे हो 60%, फिर वहां पर आबादी हुई जब 70%, तो वहां पर इन्होंने मंदिरों की घंटियां बंद कर दी, इन्होंने कहा नहीं कि वहां पर अब पूजा पाठ नहीं होगी, पहले बोलने दीजिए, हमारी धार्मिक भावनाएं जो है वो हाथ होंगी। जब ये मुद्दा, जब ये मामला गया चेन्नई हाईकोर्ट, तब तमिलनाडु हाईकोर्ट, तब वहां से आदेश आया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक और दूसरा तथ्य मैं पूछता हूँ, अलीब गलीब सलीब चिल्ला कर इन लोगों ने कश्मीर को खाली कराया कि नहीं कराया? हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को कहा ना, अपनी माल असबाब और बहने बेटियां छोड़ के जाओ यहाँ से, क्योंकि ये अब मुसलमानों की जन्मभूमि है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जहां जहां ये बढ़ रहे हैं वहां वहां पर हिंदू पलायन क्यों कर रहा है? जब ये हमारे साथ बैठे, देखिए इनकी बॉडी लैंग्वेज, आराम से भी बात कर सकते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, यहाँ पर कितने सिक्योर्ड है, अल्पसंख्यक है, भारत बहुसंख्यक है, क्या ये चीज बांग्लादेश पाकिस्तान से हो? एक मिनट रुक जाइए ना, रुक जाइए, रुक जाइए, पाकिस्तान को यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, हमारी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आग जलाई जा रही है, जो सरकारी अधिकारी है कोई नेता नहीं लेता भाई, आपको बोलना है क्या? फाजिल साहब नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते। हाँ देखिए कश्मीर में भी यही हुआ था, जो मैं आपने बात बोली मैं उसको ले लेती हूँ, उसमें काउंटर ले रही हूँ। फाजिल साहब रुक जाइए, ठीक है। अब मैं जरा एक सवाल पूछ रही हूँ, उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो हुआ है वो एक ऐसा जख्म है जो ये जो बहुत से हिंदू भूल नहीं पाते हैं, ये बात आपने सही कही, और मुझे लगता है बहुत से, और तमिलनाडु की वो बात कर रहे हैं लेकिन वो कश्मीर वाली बात करते हैं, और शायद वो ताजा भी हो गई है, कुछ हाल की जो फिल्में भी आई उनसे भी ताजा हुई, बहुत से लोग इसको पहले से जिस तरह से जानते थे, उन्होंने वो सफर किया है, उन्होंने वो देखा है। देखिए ऐसा है, ऐसा है, लेकिन क्या उससे मैं उनके दर्द के साथ हूँ। ठीक है, वहाँ ये हादसा हुआ, लेकिन वहाँ आतंकवादी थे और कश्मीरी मुसलमानों ने बाकायदा उनका साथ, एक मिनट क्या वो आतंकवादी थे जिन्होंने ये हरकतें की थी? और वहाँ के मुसलमानों ने, आप जाकर के जो कश्मीरी ब्राह्मण है जो यहाँ भाग करके आए और बस गए ऐश में, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो वहाँ पे है वहाँ जाकर के पूछ लिए, नंबर एक। नंबर दो, ये बार बार मिसाल दे रहे हैं, आप ही लोग कहते थे वेस्टर्न यूपी को कि पाकिस्तान मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग अपने अपने घर को छोड़ करके चले गए थे 2013 के दंगे में, और आज भी वो अलग जा करके बस्ती बना के रहने पे मजबूर है, और ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, आप चले जाइए। इसलिए ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद है, और जितने फसादात हुए, ठीक है, मैं काउंटर ले रही हूँ, फिर मुझे बाकी मेहमानों पे भी जाना।